you chari ચંદ્રબાળ ખ્યાલન થી પામતા જીનેશ્વર તણી વાણી જાણી તેણે જાણી છે ગુરુરાજ તાણી ज्ञाणीते जाणीषे नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्श श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकैर्यं विरचते स्वल्पधियां हिताय विरचते स्वल्प धियां हिताय जय सदगुरु तत्व चर्चा में श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका अध्याय पांच लक्षण पे चर्चा चल रही है तो जो प्रयोजनभूत पदार्थ हैं उनके लक्षण क्या क्या हैं देव का लक्षण जो सर्वज्ञ और वीतराग है वो देव है गुरु का लक्षण जो बाह्य अभ्यंतर निर्ग्रंथ है वे गुरु हैं शास्त्र का लक्षण जो अहिंसा और वितरकता का उपदेश देने वाली स्यादवाद युक्त वाणी है वो शास्त्र है धर्म का लक्षण जो वस्तु का स्वभाव है वह धर्म है यहाँ तक अपने चर्चा हुई जीव का लक्षण क्या है तो चैतन्य तीन दोषों से रहित है क्यों क्योंकि चैतन्य सभी जीवों में पाया जाता है इसलिए अव्याप्ति दोष से रहित चैतन्य जीव के अतिरिक्त और किसी में भी नहीं पाया जाता है इसलिए अतिव्याप्ति दोष से रहित और चैतन्य जीव के अनुभव में आता है असंभव नहीं है इसलिए असंभव दोष से रहते उसी प्रकार से अजीव का लक्षण तो जिस जीव से रहित है वह अजीव, चेतना से रहित है वह अजीव। ये सामान्य अजीव का लक्षण क्यों क्योंकि किसी भी अजीव में चेतना नहीं होती चेतना रहित ही होता है इसलिए अव्याप्ति दोष से रहित अजीव को छोड़ करके जीव में अजीवपना नहीं होता इसलिए अतिव्याप्ति दोष से रहित है और अजीव में अचेतनता जड़ता दिखती है अनुभव में आती है इसलिए असंभव दोष से भी रहित ऐसे अजीव पांच प्रकार के पुद्गल धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाश और काल पुद्गल का रक्षण है मूर्तिकपना मूर्ति कहते हैं स्पर्श रस, गंध, वर्ण इन चारों गुणों से युक्त जो होता है उसको मूर्तिक कहते हैं मूर्त कहते हैं। तो इसके साथ पुद्गल का व्याप्ति संबंध है जहां जहां स्पर्श रस, गंध, वर्ण है वहां वहां पुद्गल है स्पर्श रस, गंध, वर्ण सभी पुद्गलों में पाया जाता है <coughs> इसलिए अव्याप्ति दोष से रहित है स्पर्श वर्ण पुद्गल के अतिरिक्त और किसी भी पदार्थ में नहीं पाया जाता है इसलिए अतिव्याप्ति दोष से रहित है और स्पर्श रस, गंध, वर्ण पुद्गल में संभवित है पुद्गल में दिखता है अनुभव में आता है इसलिए असंभव दोष से बराबर है पुद्गल का लक्षण पुद्गल का लक्षण कभी कभी ऐसे भी किया जाता है पूरे इती गले इति इति पुतगल ऐसी भी परिभाषा की जाती है तो सब पुद्गल हैं, वो पूर्ण गलन होता है पर ये तो उसकी अवस्था की अपेक्षा से लक्षण किया पूर्ण अवस्था में भी स्पर्श वर्ण होते हैं और गलन अवस्था में भी स्पर्श वर्ण होते हैं इसलिए उसका अव्याभिचारी लक्षण होता है वह स्पर्श वर्ण से युक्त है वो ही मूर्तिक बना धर्मास्तिकाय का लक्षण है गति हेतुत्व जो सबको गति प्रदान करता है गति में हेतु होता है वो धर्मास्तिकाए गति तो सब लोग सब प्रदान करते हैं एक एक व्यक्ति भी दूसरे व्यक्ति को गति गमन करने में सहायता करता है पर जिस प्रकार से है सबको सहायता कर सकता है वैसा अन्य जीव अथवा अन्य पुद्गल नहीं कर सकता स्थिति हेतुत्व काय का लक्षण है सबको जो गति कर रहे हैं वो ठहरना चाहते हैं उसको ठहरने में सामान्य कारण स्थिति हेतुत्व वो अधर्मास्तिकाय है अवकाश है वो आकाश का लक्षण है क्योंकि आकाश सबको स्थान दे सकता है ऐसा साधारण अवकाश देने वाला लक्षण है वो आकाश में ही है और वर्तना है वो काल का लक्षण है जो स्वयं वर्तते हुए बाकी सब पदार्थों के परिणमन में सहायता करता है निमित्त भूत होता है वो वर्तमान लक्षण वाला काल कहलाता है इस प्रकार से ये पांच अजीव तत्व हैं, उनके लक्षण जानना फिर आश्रव तत्व है आश्रव का क्या लक्षण है एक दिन पहले स्वाध्याय में लिया था हम्म र्मो के आने को आश्रव कहते तो वो आश्रव किस कारण से होता है तो कारण की अपेक्षा लक्षण बताना है तो योग के साथ आश्रव का व्याप्ति संबंध है जहां जहां योग है अर्थात मन वचन काय की प्रवृत्ति से उत्पन्न आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन, ये द्रव्य योग और ज्ञानावरण आदि कर्मों को आकर्षण करने की जो शक्ति वो भाव योग ये द्रव्य और भाव योग से सहित जो है वो आश्रम है क्योंकि वो योग ही आश्रम है क्योंकि जहां जहां योग है वहां वहां आश्रव है। और जहां जहां आश्रव है वहां वहां योग है अगर कषायों को आश्रव का कारण कहें आश्रव कहें तो क्या दोष आता है हा तो अगर कषाय को आश्रव का लक्षण कहें तो उसमें अव्याप्ति दोष आएगा क्यों अव्याप्ति दोष आएगा क्यों क्योंकि सभी संसारी जीवों में जो सभी संसारी जीवों को आश्रव होता है तो उसमें अरिहंत भगवान को फिर कषाय नहीं है तो भी आश्रव इसलिए कषाय को आश्रव का मूल लक्षण नहीं कह सकते हैं। योग को ही कह सकते हैं उनको योग के कारण से आश्रव फिर बंध का लक्षण क्योंकि जहां जहां योग है वहां वहां आश्रव जहां योग नहीं है वहां आश्रव इसलिए जहां जहां योग है वहां वहां आश्रव है तो अव्याप्ति दोष से रहित होगा और योग नहीं है तो वहां आश्रव नहीं है इसलिए अतिव्याप्ति दोष भी नहीं है और आश्रव सब में देखा जाता है संसारी जीवों में इसलिए असंभव भी नहीं है बंध बंध का क्या लक्षण है बंध किसको कहते हैं आत्मा की शक्ति का आवृत होना अथवा आत्मा के साथ कर्मों का संश्लेष रूप होना उसको अपन बंध कहते हैं उस बंध का मूल कारण क्या है कारण की अपेक्षा क्या लक्षण है व्याप्ति संबंध क्या है तो जहां जहां कषाय है वहां वहां बंध है और जहां जहां कषाय नहीं है वहां वहां बंध नहीं इसलिए ही बंध का मूल कारण है उसका मूल लक्षण तो आश्रव और बंध में क्या अंतर है आश्रव है वो कर्म का आना है और बंध है वो कर्म का बंधना है तो योग के कारण आश्रव तो हो जाता है पर अगर कषाय नहीं हो तो वो बंधेगा नहीं एक समय से अधिक आत्मा पे रहना इसका नाम बंधन है कर्मों का एक समय से अधिक आत्म प्रदेशों पर रहना उसको बंद कहते हैं और केवल एक समय ही रहे तो उसको केवल आश्रव कहते हैं वास्तव में वो रहा ही नहीं वो केवल आया गया रहता नहीं और एक समय से अधिक रह जाता है तो वो बंद है और स्थिति होती है वो कषाय के कारण बनती है तो दो समय से अधिक वाली एक समय से अधिक वाली स्थिति है उसी को वही बंध नाम पा प्राप्त करती है और कषाय है वो स्थिति का कारण है और कषाय नहीं हो तो वो स्थिति नहीं बंधती है इसीलिए जहां स्थिति है ही नहीं वहां कषाय नहीं है कषाय नहीं है तो स्थिति नहीं है इसलिए वहां बंध नहीं इसलिए बंधन का मूल कारण क्या हुआ वही लक्षण है एक समय की स्थिति होती ही नहीं है एक समय कोई वो ठहरता ही नहीं आत्मा पे वो वो चलते हुए ही जा रहा है ठहरना कोई व्यक्ति चल रहा है तो क्योंकि गुजर रहा है एक समय के लिए भी टिक नहीं रहा हो टिकेगा तो वो दूसरा समय चाहिए उसको एक समय के लिए टिकना वो टिकना कहलाता है एक समय के लिए होता है वो आश्रव कहलाता है इसलिए प्रथम समय में आश्रव होता है द्वितीय अधिक समय में बंद होता है उसका उसके अनंतर बंद होता है इरियापथिक वो आश्रव कहलाता है बंद नहीं कहलाता <clears throat> बंद जब दूसरा समय हो और दो समय तक अगर वो आत्मा प्रदेश रुक जाए तो वो बंद हुआ ऐसा कहलाता है और वो कषाय के बिना हो नहीं सकता कषाय हो तो ही हो सकता है इसलिए केवली को आश्रव है केवली को बंध केवली को प्रति समय पुण्य बंध पुण्य का आश्रव हो रहा है इसलिए उसके आश्रव को इरिया पथिक कहते है। हैं जाती। चलता हुआ है इरिया नाम चलने का है चलता हुआ है वो आश्रव टिकता ही नहीं इसलिए जिसको बंधन नहीं करना है वो कषाय मत करो अगर हमारे मन वचन काय की प्रवृत्ति में कषाय नहीं है तो उसका कर्म बंध हमको नहीं होता है। आश्रव तो होगा ज्ञानावरणादि आदि क्योंकि वो योग के कारण से आते प्रकृति और प्रदेश है वो योग के कारण से तो योग के कारण से जो कार्मण वर्गनाएं विश्रस्व रूप हैं, वो ज्ञावरण आदि रूप होंगी और वो अपने आत्म प्रदेशों पर फिर वो ज्ञानावरण आदि रूप में आएंगी परंतु आपके पास कषाय नहीं है तो वो आकर के तुरंत चली जाएंगी बंधेगी नहीं वो तो स्वयं कषाय है मिथ्यात्व ज्ञान तो कषाय ही है उसको कषाय में ही गर्भित किया गया है चलो और इसमें कुछ किसी को पूछना समझ में आवे लक्षण हमेशा अव्याभी होना चाहिए अगर हम कहते हैं कि कषायो कषाय को आश्रव का लक्षण करेंगे तो फिर उसमें कौन सा दोष आ जाएगा व्याप्ति दोष आएगा और दोष रहित लक्षण होना बंध के साथ कषाय का पूरा संबंध है क्योंकि द्वितीय समय तक आत्म प्रदेश रहते हैं वो कषाय के लिए रहते हैं उसी प्रकार से संभर का संवर है वो कर्मों का रुकना तो जब मन वचन काय की प्रवृत्ति रुक जाती है योगों का निरोध हो जाता है तो संवर तो योग निरोध है वो ही संबर का लक्षण है अब योगों का रुकना वो कषायों के रुकने से होता है वो कारण है परंतु यहां योगों का निरोध होता है तब ही संबर होता है इसलिए पूर्ण संवर कब होता है एक भी कर्म आत्मा पर आता नहीं है ऐसी अवस्था कौन से गुणस्थान में होती है तो चौदवे गुण स्थान में होती इसलिए पूर्ण संबर कौन से गुणस्थान में होता है चौदवे तो आश्रव का ठीक विपरीत संवर जानना योग आश्रव योग निरोध संवर विबंध का लक्षण क्या बताया था कषाय तो मुक्ति का लक्षण मोक्ष का निर्जरा का लक्षण और मुक्ति का लक्षण क्या होगा निर्जरा का लक्षण क्या होगा बस वो कषाय है वो अब एक देश कषाय का जाना वो निर्जरा है कषाय के राग द्वेश की जो वृत्तियां अंदर पड़े हुए हैं किस रूप में पड़े हैं द्रव्य कर्मों के रूप में पड़े हुए रागद्वेश उसका समय समय खीरते रहना और जैसे जैसे वो मोहनी आदि कर्म खीरते रहते हैं वैसे वैसे रागद्वेश कम होते हैं इसका नाम निर्जरा है वो वृत्ति कम हो रही है अपनी इसी को निर्जरा कहते हैं निर्जरा होती है वो हमको पता पड़ता है कि नहीं पड़ता है हमारे कर्मों की निर्जरा हो रही है कि कर्म बढ़ रहे हैं कि कर्म जा रहे हैं वो हमको पता पड़ता है कि नहीं पड़ता है कैसे पता पड़ता है हाँ हमारी वृत्तियों को देखो तो अगर वो वृत्तियां किस रूप में चल रही हैं वो वृत्तियों में धीमे धीमे कमी आ रही है तो समझना हमारी निर्जरा हो रही है वास्तविक निर्जरा तो यही है कि हमारी क्रोध की वृत्ति कम हो रही है मान की वृत्ति कम हो रही है माया की वृत्ति कम हो रही है लोभ कम हो रहा है इसका अर्थ है हम सीधी राह पे चल रहे हैं अभी हम धीमे धीमे बंध से मुक्त हो रहे हैं जिस वस्तु से मैं पहले प्रभावित होकर के क्रोध कर लेता था अब मेरे नहीं आता हूं तो समझना अब आपके क्रोध की वृत्ति कम हो रही पहले मेरे को बात बात में मान आ जाता था अब इतना नहीं आता है तो समझना आपकी निर्जरा हो रही है मान की वृत्ति की पहले मैं येन केन प्रकार काम निकालने के लिए झूठ मूठ बोल देता था मायाचारी कर लेता था अब नहीं करता हूं समझना कि निर्जरा हो रही है और पहले मेरे को बहुत हाय हाय रहती थी ये भी चाहिए न वो भी चाहिए न और जब तक नहीं मिले तब तक चैन पड़ता नहीं था अब ऐसा है कि जो मिला सो ठीक है और नहीं मिला तो भी ठीक है तो समझना कि आपके लोभ की वृत्ति की निर्जरा तो हमको ही पता पड़ता है वो सारी चीजें ऐसा नहीं कि भगवान जानते हैं हमारे निर्जरा हो रही ऐसा थोड़ी है भगवान जाने वो तो कर्म पुद्गलों को भगवान जानते हैं पर भावों को तो हम भाव स्व संवेदन गम्य कर्म पुद्गल भले हमारा अतिय ज्ञान नहीं है तो हम नहीं देख सकते हैं कि इतने कर्म गए इतना मोहनी गया इतना वो नहीं जान सकते हैं। पर उसके जानने से जो भाव हुए परिणाम हुए वो तो हम जान सकते हैं कि नहीं जान सकते हैं। तो हमारी परीक्षा करें हम कि हमारी वृत्तियां में बढ़ोतरी हो रही है के घट और संबर बंद आश्रव पूर्वक होता है निर्जरा संबरपूर्वक ये मोक्ष मार्ग में उपयोगी जो सकाम निर्जरा अथवा अविपाक निर्जरा हम इसी की बात कर रहे हैं बाकी अकाम निर्जरा वगैरह वो तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं वो तो हम हमेशा होती है सविपाक निर्जरा कहते हैं जैसे हमने सत्तर कोड़ा कोड़ी की स्थिति जैसे मोहिनी की जो बांधी तो पता कैसे चलेगा कि हमारी कम मतलब वो भावों से पता चलता है कि अपन जैसे कम आ, कम करते हैं तो अभी प्रश्न किया बहुत कि सितर कोड़ा कोड़ी की बांधी तो अभी वो कम हो रही है वो कैसे पता पड़ता है तो कम हो रही है वो तब पता पड़ता है कि हमको तत्व ज्ञान में रुचि हो रही है देव शास्त्र गुरु के प्रति अपना विनय बढ़ रहा है उनके प्रति श्रद्धा बढ़ रहा है रुचि बढ़ रही है ये सब पता लगता है कि अभी इसके एक कोड़ा कोड़ी के आसपास है क्योंकि जब तक वो एक कोड़ा कोड़ी में नहीं आता है तब तक ये वस्तु अच्छी नहीं लगती उसको और आत्मा अच्छी लगती है चलो ये तो एक व्यवहारिक वस्तु होगी देवशास्त्र गुरु और ये सब तो क्या है कभी कभी परंपरा से भी अच्छे लगते हैं हमारी परंपरा में ही वो हैं तो उनको अच्छे ही लगते सबको अपनी अपनी परंपरा के शास्त्र गुरु अच्छे ही लगते हैं और उनके प्रति उनको रुचि होती है और सबके अपने अपने जो शास्त्र हैं उसमें जो तत्व है वो सबको अच्छा ही लगता है मुसलमान को कुरान की बात अच्छी लगेगी जो बातें आएगी और ईसाइयों को उनके बाइबिल की बात अच्छी लगेगी ऐसे जैन को जैन की बात अच्छी लगती है ये तो रूढ़ी से हो सकता है ये मिथ्यात्व मंद हुआ इसका लक्षण नहीं है परमार्थ से परमार्थ से लक्षण क्या है कि अब उसको अपने आत्मा में स्वभाव में रहने की रुचि बढ़ रही राग द्वेश अच्छे नहीं लग रहे हैं संसार के काम अच्छे नहीं लग रहे हैं आरंभ परिग्रह अच्छे नहीं लग रहे हैं और हमेशा शांत रहने की इच्छा हो रही है आत्म स्वभाव की रुचि बढ़ रही है वो बताता है कि अब धीमे धीमे कोड़ा-कोड़ी में तो आ गया और कभी भी अंत कोडी में आकर के कभी भी ग्रंथि का छेद करके नाश कर सकता है उसका ये स्वभाव की रुचि है वो ही बताती है अब रागवीज अच्छे नहीं लगते बहुत हो गया भाई और राग विश के निमित्त भी अच्छे निमित नहीं लगते इसलिए संसार अच्छा नहीं लगता राग अच्छा नहीं लगता है तो राग को पोषित करने वाले ग्रह स्त्री पुत्र आदि भी अच्छे नहीं लगते स्वाभाविक ही इससे पता चलता है कि हमारा और पहले भाव रूप ही निर्जरा होगी उसके बाद ही द्रव्य रूप होगी ना पहले भाव की दोनों साथ होती है द्रव्य कर्म जैसे ही उस प्रकार के भाव हो द्रव्य कर्म जाते हैं तो दोनों साथ होते हैं कुछ तो समय भेद होता होगा ना क्योंकि समय जब बात भेद करें। नहीं होता इसलिए क्योंकि दो पदार्थ हैं, दो पदार्थ का एक साथ परिणमन हो सकता है एक का ही करना है अगर जीव की एक पर्याय से दूसरी पर्याय करनी है तो एक पर्याय के बाद दूसरी पर्याय दूसरे समय में होगी पर यहाँ तो एक तरफ पुद्गल का परिणमन अलग चल रहा है और जीव का परिणमन अलग चल रहा है तो दोनों एक साथ हो सकते हैं तो जो ज्ञानावरणादि कर्म है वो उनका अकर्म रूप होना मतलब उनमें जो स्थिति अनुभाग वगैरह होता था उसमें वो खत्म होना और इधर जीव के परिणामों का विशुद्ध होना ये दोनों एक साथ होते दो पदार्थ का परिणाम एक साथ हो सकता है कि नहीं होता है षठ द्रव्यों का सबका परिणाम एक साथ होता है इसमें कोई दिक्कत इसलिए द्रव्य निर्जरा जब हो रही है उसी समय भाव निर्जरा भी हो रही दोनों में समय भेद नहीं है क्योंकि दो पदार्थ हैं। दर्शन मोनीय कर्म की स्थिति अंत कोड़ा कोड़ी में आती है तभी हम सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ ज्यादातर कर सकते हैं कि उसके पहले भी ज्यादा होता है हाँ। तभी हम करते हैं, जीव तभी करता है जब वो एक कोड़ा कोड़ी के भीतर आता है अथवा एक कोड़ा कोड़ी के आसपास आता है तभी वो सम्यक्त्व के पुरुषार्थ की बुद्धि जागती है नहीं तो उसकी बुद्धि ही नहीं जागती है उसके दिमाग में आता ये पांच लब्धियां वही होंगी फिर देव देव शास्त्र गुरु में जो श्रद्धा होती है तत्व की जानने की जिज्ञासा होती है ये सब अंतः कोड़ा कोड़ी में आने के बाद होती है कि उसके पहले होती है ये सब बाद होती है। वो ऐसा है कि ये सभी स्वभाव की रुचि और तत्व में रुचि और तत्वों को जानने ये सब साथ साथ होते हैं ये सारी चीजें साथ साथ पर ऐसे कोड़ा कोड़ी में ये जीव अनंत बार है उसने अपने कर्मों को खत्म अनंत बार कर दिया है की लब्धि को यह जीव अनंत बार प्राप्त तो हुआ है परंतु वहां पर उसको जो मूल कारण नहीं था उसमें तो रुचि हुई पर जो मूल था उसमें रुचि नहीं हुई इसको। देवशास्त्र गुरु के प्रति तो हुई सात तत्वों को भी उसने अलग अलग प्रकार भेद प्रभेद से जाना पर उस वो स्वभाव का निर्णय नहीं कर पाया और उसमें रुचि नहीं हुई इसकी पर इसलिए फिर वापस वो मतलब इतनी कम स्थिति करने के बाद वो उधर तक पहुंच जाता है उधर तक फिर वापिस इतनी लेता है कि है। हाँ। क्योंकि वो तो आपने रूढ़ी से किया था ना आत्मा तो रुचा नहीं था या तो भय से किया था या लोभ से किया था अथवा अपनी परंपरा से किया था ऐसा अलग, अलग अलग प्रकार से जीव करता आत्मा की रुचि स्वभाव की रुचि होना वो ही सबसे महत्व की बात है और वो जब तक नहीं होगी तब तक ही जी। क्योंकि आत्मा की रुचि नहीं होती है ना जिसको वो देवशास्त्र गुरु के नाम से ही कषाय कर लेगा जिसके निमित्त से उसके राग द्वेश घटने वाले उसी के निमित्त से कषाय करे वो वही राग कर लेगा वही द्वेश कर लेगा वही माया चलेगा उसी के निमित्त से सब कर लेगा होता है कि नहीं होता है अपने है। संप्रदाय का ऊंचा दिखाने के लिए हम छल कपट कर लेते हैं करते कि नहीं करते हैं। हमारे गुरु का दिखना चाहिए इसलिए हम हम क्योंकि इससे हमारे मान का पोषण होता है वास्तव में हमको गुरु का मान नहीं रखना है खुद का मान रखना है गुरु तो मात्र बहाने जीव ने ऐसे बहुत खेल खेले हाँ, इसलिए आज तक उसका कोई सुधार हुआ सारे पहले वो संसार के लोगों के निमित्त से अपनी कषायों को निकालता था पूरी करता था अब देवशास्त्र गुरु के निमित्त से तो ही वही, के वही रहा हाँ। कोलू का इसलिए मूल जब तक आत्म स्वभाव पे श्रद्धा नहीं होगा तब तक हम रोज साष्टांग नमस्कार करें नहीं इन गुरुदेव का कुछ नहीं होने वाला इन भगवान का रोज अभिषेक करें रोज घिस घिस के नहलाए ना अपन तो भी हमारा एक कर्म दूर नहीं होगा इससे बस उन्होंने जिस आत्म स्वभाव को पकड़ा है उसको पकड़ करके हम तिर जाए उनके उपदेश को माने और उनका तो सर्वथा उपदेश यह है कि तुम अपने स्वभाव को जानो और उसमें सुस्थित रहो बस और कुछ हमको तो चाहिए हमको आपकी भक्ति नहीं चाहिए आपका नमस्कार हमको नहीं चाहिए तुमको उपकार का वेदन होता है तो भले करो हमको कोई -कोई करना ही पड़ता है करना नहीं पड़ता है, होता है। जब भगवान के दर्शन करके निधक्ति निकाषित जैसे कर्म को काटता है व्यक्ति कोई भी तो फिर उस समय सिर्फ जब वो अपनी आत्मा का ही भाव करता है तो ही वो निधत्ती हाँ, निकाषित करते वो ये जिन प्रतिमा के दर्शन करने से निकाचित कर्म निधत्त कर्म भी नष्ट हो जाते हैं ऐसा जो कहा गया है वो उपचार का कथन है जब हम नए नए समझते हैं ना तो गड़बड़ हो जाती है उनके निमित्त से आत्म स्वभाव का स्मरण होता है फिर उसमें सुस्थिरता आती है तब वो कर्म जाते हैं और आत्म स्वभाव में स्थिर रहने से तो कौन सा कर्म नहीं जाता है सारे कर्म जाते हैं भले वो निकाचित हो वो भी तो वो उसमें निमित्त होते हैं बस इतनी सी बात है। जिन प्रतिमा उसमें निमित्त है और भी जो भी निमित है निमित्त तो निमित्त का कथन है इसका मतलब व्यक्ति हमेशा वो प्रतिमा ही देखता रहेगा मैं जितनी बार देखता हूं उस सब इतनी बार मेरे निकाचित कर्म जा रहे हो ऐसा थोड़ी है तो, तो रोज प्रतिमा के दर्शन करते अपने सारे निकाचित कर्म नष्ट हो जाने चाहिए ऐसा थोड़ी है आत्मदृष्टि जब होगी तभी होगा एक एम तो ये निर्जरा का लक्षण है और मोक्ष का लक्षण है बंध से सर्वथा मुक्त हो जाना तो कषायों से समस्त प्रकार से मुक्त हो जाना वही मुक्ति है क्योंकि वही आत्मा के अनुजीवी गुणों को कषाय रोकती है अब अनुजीवी गुणों को नहीं रोक रहा है तो वहां अज्ञान से भी और कषाय से भी मुक्त हो गया वितराग और सर्वज्ञ हो गया तो वो मुक्त हो गया मोक्ष का लक्षण और पाप भाव का क्या लक्षण है स्व पर का उपकार करने के भाव ये पाप पुण्य का पुण्य भाव का लक्षण है और पर का अपकार करने के भाव ये पाप भाव का लक्षण दूसरे का भी अच्छा हो भला हो हित हो ये पुण्य भाव है और अपने आत्मा का भी हित हो ये पुण्य भाव है ये दोनों पुण्य भाव कहलाते हैं। और दूसरे का अहित हो ऐसे भाव करना ऐसे परिणाम करना और अपना भी अहित हो ऐसे परिणाम करना अब दूसरे का अहित हो ऐसे परिणाम तो होते हैं वो तो समझ में आता है पर कोई व्यक्ति अपना अहित हो वैसे परिणाम कैसे करता है हाँ तो हम जितने भी कषाय आदि करते हैं विषयों का जो भी इच्छाएं करते हैं उस सबसे अपना ही अहित हो रहा है इसलिए पर का अपकार करने के ही ये सारे के सारे भाव हैं तो ये सब पाप संसार में उन्नति करने का विचार मेरे को ये मिल जाए वो मिल जाए धन दौलत यश कीर्ति कंचन कामिनी गाया कुटुंब इन सब की इच्छा करना ये पर का अपने स्व का अपकार करना है ऑटोमेटिक इससे स्व का अपकार हो जाए तो ये पाप भाव कहलाते हैं इस प्रकार से तत्वों को जानना और फिर इन सब तत्वों को जान करके इसमें हे गे उपादेय को निश्चित करना और फिर जो उपादेय है उसमें प्रवर्तन करना उपाधेय तो एकमात्र अपना आत्म स्वभाव है उसमें रह नहीं सकते इसलिए अभी हमको संवर निर्जरा और पुण्य उन तीन तत्वों में लगना किस किस में लगना संवर निर्जरा का तो लक्ष्य रखना और पुण्य में लगना मतलब निष्काम भाव से ज्ञान ध्यान तप में लगना बस ये हमारा कर्तव्य है और कोई कर्तव्य शेष रहता निष्काम का मतलब क्या है कि समता भाव का लक्ष्य रख करके वीतराग भाव का लक्ष्य रख के किसी भी प्रकार की इच्छा से रहित होकर के हमेशा ज्ञान ध्यान तप त्याग में लगे रहना इसका नाम है मोक्ष का उद्यम मोक्ष का पुरुषार्थ तो इस प्रकार से अपने तत्वार्थ होगा अपनों ने लक्षण सहित जाना अब इसको बार बार विचार करना है अश्रम क्या है बंद क्या है संभर क्या है निजरा क्या है और फिर अंत में मैं का सही श्रद्धान होगा मैं का सही स्वरूप भाषित होगा बस उस दिन समझ जाना और वो जो सही स्वरूप भाषित होता है वो अखंड अपनी चेतना में रहता है नींद में भी रहेगा कि मैं कौन तो मैं यही मैं के बारे में कभी विस्मरण भी नहीं होगा और अप्रतिति भी नहीं मैं ही मैं हूं ये जो सतत रहने वाली चेतन सत्ता है वो ही मैं हूं इस प्रकार से अपने परम पारिणामिक भाव में चैतन्य भाव में मैं बुद्धि हो जाना अहम बुद्धि हो जाना और बाकी सर्व भावों में पर बुद्धि हो जाना इसी का नाम वास्तविक तत्वाद श्रद्धा तो ऐसे प्रयोग करते 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 हो जाएंगे चार स्टेप बताई पहले यथार्थ देव गुरु धर्म का श्रद्धान करना उसके लक्षणों को जान फिर जीवादि तत्वार्थों का श्रद्धान करना उसके लक्षणों को जान करके फिर स्व पर का श्रद्धान करना उसके लक्षण को जान करके और फिर स्व की निरंतर भावना करना एक बार निर्णय होने के बाद अभ्यास अब निर्णय करने में तो टाइम लगाना नहीं है क्योंकि निर्णय तो हो गया भोजन सामने आया और भोजन को देख लिया हमने कि ये बराबर शुद्धि का है इसमें कोई प्रकार की कोई कमी नहीं तो अब क्या करना है अपने को केवल खाना है अब बार 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 उसके बारे में ऐसे विचार नहीं करना अब खाने का ही आनंद लेना है और कुछ आनंद लेना उसी प्रकार से एक बार निर्णय हो गया तो अब अभ्यास करो बस अब भावना करो जितनी अधिक भावना होगी उतना अधिक अपने को परिणाम मिलेगा इसलिए सामने लिखा है ना आत्म भावना भावता जीव लहे केवल बाकी सब कुछ करते करते केवल एक आत्मभाव को ही पुष्ट करना नहीं तो क्या होता है कि वो तो रह जाता है और बाकी बाकी स्वाध्याय भक्ति ध्यान आदि में आत्मा पीछे रह गया और स्वसंवेदन का अभ्यास स्वानुभव का अभ्यास ये मुख्य होना चाहिए उसके लिए ही तो हमारा सब कुछ है और वो नहीं है तो क्या है जान में बारात में वर राजा नहीं है उसको बारात कैसे कहेंगे नहीं कैसे इसलिए उसके लिए ज्यादा समझने का जब सब प्रमाणों से मैंने सिद्ध हो गया नयों से भी सिद्ध हो गया कि मैं ये हूं तो बस मैं उसी रूप होने का प्रयत्न करूं बाकी सर्व साधन जो हम करते हैं वो तो उस भाव में दृढ़ रहने के लिए करते हैं वो साधन मुख्य नहीं है उसमें हमारी दृढ़ता बनी रहे हमारा उपयोग अन्य जगह नहीं जाए इसलिए हम सारे साधन करते हैं अभी हम स्वाध्याय करते हैं क्यों करते हैं आत्मनिष्ठा बनाए रखने के लिए करते हैं। कि जब जब हम स्वाध्याय करते हैं तो हमारे आत्मा की निष्ठा बनी रहती है स्वभाव की बातें होती हैं तो हमको बार बार दृढ़ता आती है अंदर से फिर जैसे ही दूसरे काम में लग जाएंगे वो ढीला पड़ जाता है पड़ता है कि नहीं पड़ता है इसलिए फिर स्वाध्याय फिर ध्यान फिर स्वाध्याय फिर ध्यान अथवा तो जो भी करो भक्ति वगैरह पर स्वभाव की दृढ़ता बनाने के लिए करने की और कोई हमारा प्रयोजन नहीं अपने आप को मैं भूल गया हूं तो बार बार उद्यम करके उसको याद करने के लिए है संवर निर्जरा किसको होगी तो संवर निर्जरा होगी वो ज्ञान के बिना तो हो नहीं सकती ना ज्ञान के बिना संवर निर्जरा कैसे हो सकती है इसलिए तो वो संवर निर्जरा है वो चौथे गुण स्थान से ही चालू होती है परंतु इसके पहले के गुण स्थानों में भी उसके स्थिर अनुभाग घटते हैं इसलिए तो वो सितर कोड़ी से अंत कोड़ी में आया तो उस समय तो वो सम्यक दृष्टि तो नहीं है तो कहां से आया वहां उसकी स्थिति अनुभाग घटे के नहीं घटे इस प्रकार का पुरुषार्थ तो सब कर सकते इसमें तो कोई दिक्कत नहीं संबर निर्जरा तो उसको बिल्कुल नहीं है संवर पूर्वक की निर्जरा नहीं है उसको परंतु उसके पुण्य कर्म है पाप कर्म की स्थिति अनुभाग बहुत कम बंध रहे हैं और पुण्य कर्म के स्थिति अनुभाग बहुत अधिक बंद रहे इसलिए वो सब मंद है मिथ्यात्व भी मंद है क्रोध मान माया मायालोप सब मंद है उसके वो किसी अपेक्षा से उसको रुकना कह सकते पाप की निर्जरा वगैरह कह सकते उसको शब्द हैं शब्दों में अपने को अटकना नहीं इस चिंता को हमेशा छोड़ दो कि मैं ज्ञानी हूं कि अज्ञानी हूं हमेशा यही विचार करो कि मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं समझ में आया बात मैं ज्ञानी हूं कि अज्ञानी हूं इन सब चीजों को छोड़ो आप अभी मैं कौन हूं इसका निश्चय करो तो वो ज्ञान और अज्ञान सब चला जाएगा आपके एक बोध रह जाएगा क्योंकि कोई जीव अज्ञानी नहीं है अगर वो विचार करेगा तो उसको अज्ञान नाम की कोई वस्तु मिलेगी नहीं क्योंकि सभी ज्ञान स्वभावी है वो अपने आप को ज्ञान स्वभावी नहीं मानता है वो ही तो अज्ञान ही है अज्ञान का क्या लक्षण है अपने स्वरूप की श्रद्धा नहीं होना यही तो अज्ञान का लक्षण है और वो अपने आप को शरीर आदि मानता है तो क्या किया जाए इसका पर्याय मानता है रागादि को अपना मानता है अज्ञान इसलिए ज्ञानी जो होते हैं उनको हमेशा आनंद रहता है क्यों अब ज्ञान मेरे अंदर ज्ञान प्रकटा है कि नहीं प्रकटा है इसका लक्षण करना है सही तो उसका लक्षण कैसे करेंगे कि उसको वो हमेशा शांत और आनंदयुक्त रहता है ये इसका लक्षण है क्यों कि आत्मा का स्वभाव वही है जो शांति और आनंद समता और आनंद जिसके अंदर नहीं है उसको ज्ञानी कहेंगे कैसे हम क्योंकि उसके अंदर जो ज्ञान का लक्षण पैदा होना चाहिए वो लक्षण हो ही नहीं रहा है उसको संवेदन जो होना चाहिए तो हो ही नहीं रहा है इसलिए अपने आत्मा होने का आनंद मनाओ जब व्यक्ति स्वीकार करता है कि मैं आत्मा हूं तो इसका मतलब वो सहज आनंद स्वरूप है वही तो आत्मा है और क्या है? सहज ज्ञान स्वरूप है वही तो आत्मा है। थोड़ा विषय कठिन है पर धीमे धीमे अभ्यास करेंगे तो इस चीज को हम लोग छोड़ दें जीवन में कि मैं स्त्री हूं मैं पुरुष हूं मैं ये हूं मैं इस जाति का मैं उस जाति का हूं मैं बूढ़ा हो गया मैं जवान हो गया मैं बच्चा हूं इन सब ये घिसी पिटी बातें हम इन सब घिसी पिटी बातों से ऊपर उठें और अपने आप को स्वीकार करें सब कुछ सुलट जाएगा पर मानने को वो अग, मैं अज्ञानी हूं ऐसा इतना दृढ़ हो गया इसको क्या करो उसको और तेरे एक भी प्रदेश में अज्ञान नहीं है सारे प्रदेश ज्ञान घन हैं है कि नहीं और मानने को तैयारी हम तो इसको क्या करें पूछो आत्मा संपर्मात्मा पूछुआत्मा हूँ तो आनंद आनंदनु आनंद आनंद नो धाम हूँ तो आनंद आनन्दु धाम होन्दत्मा संपरमात्मा हु आत्मा देह मारो नहि पण देह नहि देह मार देह मारो नहीं हूँ देह नो नहीं देह मारो नहीं अशरीरी आनंद घन आत्मा अशरीरी आनंद अशरीरी आनंद घन आत्मा अशरीरी आनंद हु आत्मा संपरमात्मा हमा हनन्दनन्दामोन्दु हुतो आनन्दनन्दनन्दु धाम हुतोनो हूँ छू आत्मा सं परमात्मा हूँ छुँ आत्मा सं परमात्मा सदगुरु परम कृपाण त्रिलोकनाथ की जय सब संतन की जय आनंद घन ओ जय सदगर